जय हिंद दोस्तों, अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है और आप परेशान हैं कि मेरा चैनल रीयूज्ड कंटेंट की वजह से मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्या कॉपीराइट क्लेम वाली वीडियो से ही रीयूज्ड कंटेंट आया है क्या, या रीयूज्ड कंटेंट आ गया है तो मेरे चैनल पर ऐड क्यों नहीं चलता है? और बहुत से चैनल पर ऐसा है कि जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है फिर भी उनके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आया है और ऐड भी चल रहे हैं, उसी वीडियो पर ऐड चल रहे हैं जिस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया है। आज की इस वीडियो में आपको इन सभी बातों को बताने वाला हूँ, इन सभी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ, एक एक तरीके बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि हमारा मकसद आपको बताना नहीं समझाना है, और जब तक नहीं समझ जाते तब तक हम आपको बताएंगे। यहां पर अब मैं सबसे पहले आता हूं, ओपन कर चुका हूं अपना कंप्यूटर स्क्रीन और एक चैनल मैंने ओपन कर रखा है। यहां पर आप देख सकते हैं 7 कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है इनके चैनल पर। अब 7 जो कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है यहां पर मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे मान लो एक पहली वाली वीडियो पर क्लिक करता हूं, व्यू ऑप्शन पर, यहां पर क्या लिखा हुआ है, दिस वीडियो हैज नो कॉपीराइट इशू। यहां पर इनका चैनल ये मोनेटाइज हो चुका है, देख लो यहां पर ये वीडियो मोनेटाइज है। यहां पर चैनल पर कोई इंपैक्ट नहीं है, चैनल पर इंपैक्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपके वीडियो पर जब कॉपीराइट क्लेम आए तो वहां पर ये 3 तरीके लिखकर आते हैं, चैनल इंपैक्ट, विजिबिलिटी, मोनेटाइजेशन। अगर तीनों एकदम ग्रीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुश रहिए। इन केस अब दूसरा यहां पर ओपन करता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है वीडियो मोनेटाइज इन सम टेरिटरीज, मतलब कि इस वीडियो पर जो ओनर है वो कह रहे हैं कि हम आपके वीडियो को कुछ कंट्री में ही मोनेटाइज करेंगे, सभी कंट्री में मोनेटाइज नहीं करेंगे। और यहां पर क्लेम भी इनके वीडियो पर है और वीडियो नॉट अवेलेबल, आई थिंक चैनल से ये वीडियो डिलीट भी हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था जो कि चैनल मोनेटाइज हो गया है। और यहां पर एक कॉपीराइट क्लेम और रिसीव हुआ है जिस पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर भी वही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आता है तो आपके चैनल पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस तरीके से दिखता है तो यहां पर जो मैंने अभी आपको दिखाया है। लेकिन अगर आपके चैनल पर यहां विजिबिलिटी पर रेड कर देता है, प्राइवेट लिखकर आ जाता है, तो ध्यान रखना कि आपके वीडियो पर स्ट्राइक हो सकता है आ गई हो। और अगर मोनेटाइजेशन ऑफ कर देता है आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम से, तो ध्यान रखना कि जिसने आपकी कॉपीराइट क्लेम आपके वीडियो पर दिया है, जिनका कंटेंट आपने यूज किया है, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनकी वीडियो पर मोनेटाइजेशन ऑन करें, ठीक है। अब जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे आप संदीप महेश्वरी जी को देख लो, उनकी वीडियो जितनी भी होती है कभी भी उनके वीडियो पर कोई भी ऐड नहीं आती है, आपको दिखता होगा। तो उनकी वीडियो पर ऐड नहीं आती, इसका मतलब यही है कि वो ये नहीं चाहते कि मेरी वीडियो पर कोई ऐड देखे, क्योंकि मैं जो वैल्यू देना चाहता हूँ, मेरी वीडियो फ्लो में कोई देख रहा है और बीच में ऐड आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उस टाइप के जो लोग हैं, उन टाइप के जो लोग हैं, उनकी वीडियो अगर आप यूज करते हैं और ऐड चलाते हैं तो वहां पर लिख कर आ जाएगा कि ऐड आप प्लीज मेरा मत चलाइए, नहीं तो आपके चैनल पर हम स्ट्राइक भेज देंगे, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि क्लेम आने से चैनल मोनेटाइज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और मेरा ओपिनियन है कि चैनल मोनेटाइज होता है, क्लेम आने के बाद चैनल मोनेटाइज होता है, वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो क्यों कह रहा हूं मैं आपको दिखाने के लिए यहां पर आ गया हूं। देखो यहां पर एक चैनल है आदर्श आनंद भाई साहब का, इनके चैनल पर 14 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और ये फनी वीडियो बनाते हैं, आपने देखा भी होगा इनकी वीडियो को। अब यहां पर लिखा हुआ है, देखो यहां पर इनके इस वीडियो पर एक मतलब कॉपीराइट क्लेम आया है क्योंकि इन्होंने ये म्यूजिक यूज किया है। अब जो ये म्यूजिक यूज किया है, इस म्यूजिक का यहां पर आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे आकर लिखकर आ जाता है सारी चीजें, ये देख लो ध्यान से, ये सारी चीजें आपके डिस्क्रिप्शन में लिखकर आ जाएगा जब भी कोई क्लेम आएगा आपके वीडियो पर। अगर आपने कोई सॉन्ग यूज किया है तो क्लेम आता ही आता है, और जब क्लेम आता है तो वहां पर रूल होते हैं कि आपको हम इस वीडियो से, मान लो मेरी वीडियो है, मैंने एक सॉन्ग यूज कर लिया और उस पर क्लेम आ गया, तो जिसने सॉन्ग का क्लेम मुझे दिया है वो मुझे बोलेंगे कि आपकी वीडियो है लेकिन सॉन्ग मेरा है और मेरे सॉन्ग की वजह से आपकी वीडियो ज़्यादा चल रही है, इसलिए मैं आपसे 60%, मतलब कि अगर 100 रुपये कमा रहे हो तो 60 रुपये मैं लूँगा, 40 आपको दूंगा। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लेम आप रिमूव कर दीजिए, मतलब कि गाना हमारा अपनी वीडियो से आप हटा दीजिए। तो जिसको मंजूर होता है वो कर लेता है, जिसको मंजूर नहीं होता है
वो हटा ही देता है। ये चीज ध्यान रखो, ये होता है कॉपीराइट क्लेम का प्रोसेस। और अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब बहुत से चैनल ऐसे हैं जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है और कॉपीराइट क्लेम आ गया है और उस पर ऐड आते हैं। तो जब अभी आपको बताया ना मैंने कि कॉपीराइट क्लेम जैसे ही आ जाता है आपके चैनल पर और जो ऐड चलाना चाहते हैं वो आपके चैनल पर ऐड चला सकते हैं, क्योंकि उनका कंटेंट ऑलरेडी मोनेटाइज है यूट्यूब पर और वो कंटेंट आपने यूज किया है, इसलिए वो वीडियो पर ऐड आएगी। उससे आपको एक भी रुपए का रेवेन्यू नहीं मिलेगा। और यूट्यूब की एक नई पॉलिसी आई थी 1 जुलाई 2021 को कि अब हम सभी वीडियो पर ऐड चलाएंगे, चाहे वो मोनेटाइज हो चैनल या ना चैनल मोनेटाइज हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू रखें अपने पास। मतलब यूट्यूब चाहता है, ये मेरा पर्सनल है जो मैंने यूट्यूब को बताया है, कि यूट्यूब अब आपको पैसे नहीं दे रहा है जब तक मोनेटाइज नहीं होगा, उसके पहले जितने ऐड आएंगे वो सारा अपने अंदर रखता जाएगा, अपनी तिजोरी भरता जाएगा। तो ये चीजें थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना चैनल को। थैंक यू सो मच।